नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बलरामपुर तहसील मुख्यालय के परिसर में जलभराव है, आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तुलसीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कमल नयन तिवारी ने बताया कि तहसील परिसर में जलभराव की ये स्थिति है, जैसे तालाब बना हो और इसमें सिंघाड़ा बोया जाए। आदमी के चलने फिरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अधिकारी आते हैं गाड़ी से और चले जाते हैं आंखें बंद करके। इसी के साथ कई अधिवक्ताओं ने यहां महिलाओं सहित अपने मुकदमे के लिए आते हैं, उनके लिए न शौचालय है, न पीने का पानी है, न बैठने की कोई व्यवस्था है, सिर्फ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। श्री तिवारी ने SDM पर तानाशाही का आरोप लगाया तथा तहसीलदार को भ्रष्ट अधिकारी बताया। तहसील में जो है पीने का पानी नहीं, तहसील में तहसील के चारों तरफ सिंगाड़ा बोए वाली जमीन है, सड़क है नहीं। अब इतने लिए लिखा पढ़ी शासन प्रशासन से बहुत किए, लेकिन वो कोई सुनने वाला नहीं। अब हमारे यहाँ जो है जो SDM और तहसीलदार हैं ये महाभ्रष्ट हैं। इनके खिलाफ आज 11 दिन हो गया हम लोगों को हड़ताल करते हुए, और ना उच्च अधिकारी सुन रहे हैं और ना ये लोग कहीं कुछ कर रहे हैं। खाली समस्या ही समस्या है, बाकी अब इसमें एक समस्या गिनवाना एक लिस्ट बन जाएगी। इतनी समस्याएं हैं। तहसीलदार जी मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहा है। SDM वो अपना तानाशाही दिखाते हुए कोई काम करना नहीं चाह रहा है, और स्टाफ की इतनी कमी है कि 2 बाबुओं और 3 बाबुओं पर पूरी तहसील चल रही है। ना कोई नायब तहसीलदार है, 1 नायब तहसीलदार है, 3 नायब कोर्ट है, तो इस नाते सब समस्या है। कोई ये नहीं कि समस्या नहीं, बहुत समस्या है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।